में आ गया। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन के, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटी सी, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डी। अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके बीच हमें, हमारे पास एयर है प्यारे बच्चों, और उसके बीच सेपरेशन डी है और पोटेंशियल डिफरेंस भी है अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स। अब कहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द एयर। अब ये यहाँ से देखो, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैं बना देता हूँ थ्री डायमेंशन में, जिसे आपको समझ में थोड़ा सा ज़्यादा आए। तो ये इस पे दो प्लेट है, एक मोटा प्लेट है, तो जो चार्ज होता है, जो चार्ज होगा वो इस प्लेट के सामने वाले फेस पे होगा, बराबर है। और यहाँ से मैं इसको प्लस प्लेट से कनेक्ट कर, प्लस टर्मिनल से कनेक्ट किया हूँ, और यहाँ पर जो चार्ज होगा वो अंदर वाले, इसके अंदर वाले पे माइनस 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 होगा, ये इनसाइड वाले पे यहाँ अंदर, बराबर है। ये इसको मैंने निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब समझने की कोशिश करना, अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला है तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दो फोर्स बिटवीन द टू प्लेट्स, अगर नहीं याद है तो फिर उसको एक बार मैं आपके लिए कर देता हूँ। तो याद रखना कि ये जो प्लेट्स होते हैं यहाँ पर बिटवीन द प्लेट्स, फील्ड अलग होता है, हमें चाहिए ये जो प्लेट है इसके सरफेस पे फोर्स, ये जो प्लस प्लस है अब, और ये जो प्लेट है ये माइनस माइनस है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके कोलैप्स करके ख़त्म कर लेंगे और एक्सलेट कर जाएंगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं। तो इसके प्लेट पर जो फील्ड है वो अलग है यार, क्योंकि वो एक ही सीट का होगा, सामने वाला सीट पॉजिटिव की वजह से होगा इसके इनर वाले सरफेस पे, और इस पॉजिटिव सरफेस पे इस निगेटिव वाले की वजह से होगा, लेकिन बीच में तो फील्ड दोनों की वजह से होगा, ये बहुत ध्यान देना, बी केयरफुल। तो बीच में जो फील्ड होगा, एक बार मैं आपको बीच में करके दिखा देता हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत सारे कन्फ्यूज होते हैं, ये बीच में जो फील्ड होगा तो प्लस वाले की वजह से और माइनस वाले की वजह से दोनों एक ही डायरेक्शन में आएगा। तो बीच में जो फील्ड होगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा सरफेस चार्ज अपॉन एरिया ए एप्सिलॉन नॉट, ये इनके बीच का फील्ड है। हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए मैं निकाला हूँ। अब इसके प्लेट यहाँ पर, इस पर कितना फोर्स लग रहा है ये वाला, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है यार फोर्स, वो आ जाएगा क्यू ई। यहाँ पर कितना फील्ड है, यहाँ पे फील्ड सिर्फ माइनस वाले की वजह से है या इसके ऊपर सिर्फ प्लस वाले की वजह से है, तो क्यू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू डाल दो तो क्यू सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट, दैट इज क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको याद कर लोगे सिग्मा क्यू स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, तो आप डायरेक्ट लगा दो, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बट मैं आपको समझाने के लिए डिटेल में थोड़ा सा मैं आपको बताया कि इनके बीच फोर्स जो है वो इतना लगेगा। अब ये जो हमारा जो सोल्यूशन है, फोर्स तो यही है लेकिन इस फोर्स को मुझे दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखना है, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस डी है और इसकी कैपेसिटी सी है, इसके टर्म में लिखना है, न कि हमें और सेपरेशन डी है इसके टर्म में लिखना है। तो हमें क्यू को हटाना पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट को भी हटाना पड़ेगा। तो इसकी जो कैपेसिटी होती है पैरेलल प्लेट की, ये एप्सिलॉन अपन डी होती है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी सी डी अपन ए, बराबर है। इसको उठा के यहाँ यहाँ डाल दूँ तो नया जो फोर्स दिखेगा वो दिखेगा क्यू स्क्वायर अपन टू ए, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सी डी और ए ऊपर चला गया, अभी भी बात बनी नहीं, ए ने ए को काट दिया, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी डी, अभी भी हमारी जो ज़रूरत थी वो नहीं पूरा हुई, बिकॉज देख रहे हो चार्ज है ही नहीं हमारे ऑप्शन में से। तो इसका मतलब ये हुआ क्यू इज इक्वल टू होता है सी बी। तो एक बार और जो है क्यू और सी में रिलेशन होता है, एक स्टेप और करते हैं, घुमा घुमा के पूछ रहा है तो हमें करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो टू सी डी, तो सी ने सी को, इसका मतलब ये हुआ कि सी वी स्क्वायर अपॉन टू डी, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। अब मैच करते हैं सी वी स्क्वायर 2D कौन सा इसमें से सही है, सी वी स्क्वायर 2D मुझे जो दिख रहा है वो D ऑप्शन सही है। चलो